नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अपा मार्ग की, जिसको हम लठ जीरा भी कहते हैं। आपके आसपास अभी जैसे कि बारिश के मौसम ये पौधा आपको ज़्यादा दिखेगा, और इस पौधे का पहचान ये है कि जब आप इसके पास से गुजरेंगे ना, तो इसके जो फल है वो आपके वस्त्र से, कपड़े से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा, कहीं आप सफ़र कर रहे होंगे, कभी बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपके कपड़े में चिपक गया है। तो ये जो चिपकता है ना, इसको लठ जीरा कहते हैं। लठ जीरा का आयुर्वेद में महत्व है, और ये एक तरह से तंत्र क्रियाओं में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसका जो जड़ होता है, लेकिन याद रखिए, जब भी कोई पौधा का जड़ आप यूज करते हैं, तो उसको पहले एक दिन पहले निमंत्रण देकर आइए, अपना परिचय दीजिए, जल दीजिए, और फिर उनको कहिए हम आपको लेने आएंगे, और फिर अगले दिन जाकर लाइए। अब जैसे कि आप लाकर इसको घर में स्टोर करके भी रख सकते हैं थोड़ा सा। तो अब जैसे किसी महिला को प्रसव में पीड़ा हो रहा है, बहुत परेशान है, तब इस जड़ को कमर में बांध दीजिए। देखिए 10 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद इस जड़ को निकाल कर आप कहीं मिट्टी में दबा दें। इसका जो बीज होता है ना, जो लठ जीरा है, इसका बीज का अगर आप पहले ज़माने में ऋषि महात्मा लोग जब ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो बीज का खीर बनाकर खाते थे, ताकि उनका भूख प्यास सब मिट जाए और वो आराम से अपनी साधना कर सके। तो इसके बीज को अगर खीर में डालकर खाया जाए, तो जो ज़्यादा भूख लगने की समस्या है वो भी समाप्त होती है, इससे मोटापा कम होता है। अब तीसरी बात देखिए, इसका जड़ में अमृत का वास होता है, अमृत तत्व का वास होता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, तो देवता और दानवों की लड़ाई में अमृत की एक बूंद जैसे दुर्वा घास के ऊपर गिरी थी, उसी तरह इस लठ जीरा अपामार के ऊपर भी गिरी थी। तो इस अमृतवास जड़ को अगर आप इसका दांतुन करते हैं कि ब्रश करते हैं, दांत धोते हैं लगातार कुछ दिनों तक, तो आपकी वाणी में सिद्धि आ जाती है, यानी कि आप जो बोलेंगे वो सच होगा। अब लठ जीरा का जो जड़ है ना, इसको अगर पान के पत्ते के साथ रस, लठ जीरा का थोड़ा सा रस जड़ घिस लें, पान पत्ते का थोड़ा सा घिस कर जड़ निकालें, दोनों को मिक्स करके तिलक लगाइए। आप लगातार इस तिलक को यूज कीजिए, ये तीव्र वशीकरण पैदा करता है। आप खुद लगाइए, आपके पति, आपके ससुराल वाले, आपके आस पड़ोस, आपकी पूरी सभा को आप वशीभूत कर सकते हैं। बड़े बड़े जो साधु महात्मा हैं, इसी सब तिलक का प्रयोग करते हैं, तभी तो लोग उनको उतने फॉलो करते हैं, सुनने जाते हैं। तो इस तिलक को प्रयोग करके आप अपने भी घर में अपना सिक्का जमा सकते हैं। अब देखिए, लठ जीरा का जो जड़ है, अगर कोई बांझ स्त्री को कपिला गाय, यानी जो गाय पहला बच्चा जिसने दिया है, तो अगर वो बच्चा बछड़ा है, तो अगर इसके दूध में आप घिस कर पिला दें बंध्या स्त्री को भी, इस जड़ को, लठ जीरा के जड़ को, तो उसको संतान प्राप्ति होती है, वो भी पुत्र संतान। अगर वो बछिया है तो फिर पुत्री संतान। तो ये कपिला गाय के दूध में इसको पिलाने से, ये उपाय करने से संतान जरूर पैदा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके शक्तिशाली प्रभाव होते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो।